आज से 30-35 साल पहले प्रतिदिन शेर आता था यहाँ अच्छा, माता के यहाँ प्रतिदिन माता के दर्शन करने के लिए रात में सुबह मतलब आना ही था, कभी भी आना है उसको आना। दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं अमोल। हेलो। हम लोग आज पचमढ़ी के अम्बा माई मंदिर में अम्बा माई के दर्शन करेंगे। लगभग 100-125 साल पुराना मंदिर है। बगुलामुखी देवी भी विराजमान है, माता महाकाली और भी अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है अम्बा माई मंदिर में। बहुत प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ शेर स्वयं आता था माँ भगवती अम्बा माई के दर्शन करने। तो आइए हम चलकर दर्शन करते हैं अम्बा माई के। पचमढ़ी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है देवी जी का, क्योंकि यहाँ अधिकांश मंदिर जो हैं वो सब भगवान शंकर के हैं। ये मंदिर है देवी जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ अम्बा माई मंदिर की पुजारी जो हैं दुलारी त्रिपाठी हैं, दुलारी माई त्रिपाठी ये हैं। दुलारी माई जी, इनसे हम जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में और अब हम चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। हम जैसे ही पचमढ़ी में प्रवेश करते हैं सबसे पहले हमें मिलता है अम्बा माई का मंदिर। यह है प्राचीन अम्बा माई का मंदिर। बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है और मंदिर के द्वार के दोनों तरफ दो द्वारपाल विराजमान हैं। यह है अम्बा माई की बहुत खूबसूरत प्रतिमा जो विराजमान है अम्बा माई के मंदिर में। ये लगभग 125 साल पुराना होगा ये मंदिर। क्या इतिहास है, किसने स्थापना की थी मूर्ति की? ये मंदिर जो है यहाँ पर रानी शिव कुमारी थी। रानी शिव कुमारी जी, उनने उनकी स्थापना की थी। पहले ये चबूतरा था, यहाँ पर आम का पेड़ आज भी मौजूद है यहाँ पर अम्मा माई के। और सभम भी हो बिल्कुल, मतलब किसी ने वो नहीं किया है, बनाया नहीं है। और पीछे जस्ट पीछे जो है बगलामुखी माता है जो इनसे पहले की है, इनके मंदिर के पीछे। हाँ जस्ट पीछे जी। अच्छा जी। दादा परदादा यहाँ पर थे उस समय, तो उनके समय पर थी ये जी जी। रानी शिव कुमारी जो पीछे एक महल है जी, उन्हीं का। हाँ उनका ही है, उनने ही स्थापना कराई स्थापना जी जी। आज से 30-35 साल पहले प्रतिदिन शेर आता था यहाँ। अच्छा, माता के यहाँ प्रतिदिन माता के दर्शन करने के लिए रात में सुबह मतलब आना ही था, कभी भी आना है उसको आना ही था। अच्छा जी। और यहाँ जिसको जिसे संतान नहीं होती है तो माता जी की इतनी कृपा है कि उसको संतान की प्राप्ति यहाँ पर होती है। अच्छा जी। और जो भी मनोकामना है सबकी पूर्ण होती है, पूर्ण होती है जी। नया निर्माण कब हुआ मंदिर का? ये आज से सन 1999 में हुआ है। 99 जी। अच्छा। अब हम अम्बे माता के पीछे बगुलामुखी माता के दर्शन करने चल रहे हैं। ये आम का वृक्ष। अच्छा। ये बगुलामुखी है, स्वयंभू हैं और सबकी मान्यताएं पूरी होती है। अच्छा। केवल इनके दर्शन करने से, उनके दर्शन करने से। तो एक काली का मंदिर 30 साल पहले बना, उन्हें पीछे बैठा लिया था। तो ये माता जी पीछे आई, नहीं तो ये सामने ये भी मंदिर था। है ये साक्षात आपने देखी क्या? हाँ। और ये आम का वृक्ष है, इसका शेर का आकार, शेर के मुख का। ये आम का जो वृक्ष है ये इसका शेर के मुंह की तरह आकार है। उल्टे सीधे हाथ। हाँ हाँ। बच्चे नहीं होते उल्टे हाथ लगाते हैं। 16 श्रृंगार सीधे हाथ।
अच्छा, ये जिन लोगों को संतान नहीं होती है अपनी किसी मनोकामना के लिए उल्टे हाथे लगाए जाते हैं, वो मनोकामना पूरी होने पर हाथों के सीधे किए जाते हैं, 16 श्रृंगार से पूजन करते हैं देवी जी की। ये शेर के मुख की तरह वृक्ष का आकार है। राम लक्ष्मण जानकी और सेवा में हनुमान। माना था तब वो राजकुमारी आई थी, नरसिंहगढ़ की राजकुमारी। अच्छा। घूमने कहा नागद्वारी मेला। अच्छा। उसने ये जो अम्बा माई की मूर्ति है जो अभी है दिख रही है जो उनने बनवाई है, और जो वो माता पीछे जो है वो स्वयंभू है, वो प्रकट हुई थी कोई जमाने में, बगलामुखी देवी। अभी हमने दर्शन किए अम्बा माई के, और अब हम चल रहे हैं बेगम पैलेस, रानी का महल।